शेख साहब ये बताइएगा कि पहले तो अलायंस की सूरत में परवेज लाई को डिप्टी वजी की सीट मिली थी, लेकिन एक दफा तो इसहाक डार जो अपनी पार्टी को डिप्टी वजी, ये इनके अपने घर का आइन है, जाति उम्र का आइन है, ये जाति उम्र के आइन में पाकिस्तान के आइन में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की कोई पोस्ट नहीं। मैं देखना सर जी, मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूं कि जाति उमरा के आइन में कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट होगी, पाकिस्तान के आइन में कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट नहीं। और सबसे अहम बात जो मैंने नैब से गुजारिश की है कि जहाज भाग रहे हैं कम गंदम फेंक के कराची के पोर्ट में, और जमींदारों से कोई गंदम नहीं खरीद रहा, एक किलो गंदम नहीं खरीदी गई। इससे जो है काश्तकार बहुत सख्त परेशान है, और कल पहली तारीख है, ये दो महीने बड़े अहम हैं, और इसमें इन्हें मेहरबानी करनी होगी और हुकूमत को अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करनी होगी, क्योंकि उनकी या जो लोग हैं गली महल्ले में जाके पूछें कि महलों के क्या हालात हो गए, हम अपने महलों को मुतमिन नहीं कर सक रहे, ये हुकूमत क्या लोगों को मुतमिन करेगी। सो इकनॉमिकली माशी तौर पर इकतसादी तौर पर ये दो महीने हम तबाही की तरफ जा रहे हैं, कल से शुरू हो रहे हैं, और इसमें सियासत जो है वो अपना रंग दिखाएगी, वो किस तरफ दिखाती है ये अल्लाह मेरे को मालूम। शेख साहब मुजाकरात की बातें चल रही है पीटीआई की, सर वो शिवली खड़ा है, वो शिवली खड़ा है सर, मेरा आप सियासी देखें, मेरा किसी पीटीआई के लीडर से रब्ता नहीं है, इमरान खान साहब से देख से लेके नीचे पीटीआई के किसी लीडर से ना मेरी मुलाकात है ना मेरा रब्ता है। सो मुजाकरात वाले वो तीन खड़े हैं लीडर। शेख साहब आखिरी बात पूछूंगा।